भाई 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 2023 की तैयारियां काफी जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है और मिनी ऑक्शन से रिलेटेड और साथ में धोनी से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या धोनी बनने वाले हैं टीम इंडिया के फिर से एक बार कोच, उस पर भी काफी बड़ी अपडेट निकल के आई है। सो भाई वीडियो काफी डिटेल है, काफी इंटरेस्टिंग है, अभी लेके पूरा एंड देखेगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले चीज के बारे में, और जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो काफी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि इस बार जो आईपीएल 2023 है वो स्टार्ट होने वाला है मिड मार्च से। हाँ भाई, जो आईपीएल आपको देखने को मिलता था हर साल आपको एंड मार्च में स्टार्ट होते हुए या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में आईपीएल को स्टार्ट होते हुए दिखता था, लेकिन इस साल जो आईपीएल 2023 होने वाला है वो मिड मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपको 15 या 16 मार्च से आईपीएल स्टार्टिंग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगला जो आईपीएल होने वाला है वो ढाई महीने की विंडो रहने वाली है, यानी कि लगभग आपको यहाँ पे जो आईपीएल है वो जून तक दिखाई देने वाला है, यानी कि आपको 15 मार्च से लेके 30 जून के बीच में आपको आईपीएल 2023 दिखता हुआ नजर आने वाला है, जो कि एक काफी बेहतरीन बात है कि आईपीएल का इतना बेहतरीन तरीके से उपयोग होने वाला है। और अगले साल से जो आईपीएल है उसकी विंडो बढ़ गई है, मैचेस के लेंथ उतने रहने वाले हैं, लेकिन हमें जल्द ही आईपीएल देखने को मिलने वाला है और उसके लिए बीसीसीआई अपनी तैयारियां भी स्टार्ट कर देगी। सो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं सेकंड न्यूज के बारे में, और ये जो सेकंड न्यूज निकल के आ रही है वो जडेजा को लेकर आ रही है। हाँ गाइस, सीएसके के ऑफिशियल्स ने साफ कह दिया है कि हमारे और जडेजा के बीच ऐसा कोई भी चीज नहीं है, हमारे बीच में सब चीज सही है, और गाइस यहाँ पे जडेजा की तरफ से भी कोई अभी तक रिप्लाई निकल के नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे एंड चीज यहाँ पे सीएसके के सीईओ ने कह दिया है, काफी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि जडेजा को अब जो भी करना है आईपीएल 2023 से पहले या फिर मिनी ऑक्शन में वो उनका ओपिनियन रहने वाला है, यानी कि हमारे बीच जो रिलेशन है जडेजा के साथ वो बिल्कुल सही है। अब इसके बावजूद अगर जडेजा चेन्नई को छोड़ना चाहते हैं या फिर चेन्नई से छोड़ के किसी और टीम में जाना चाहते हैं तो ये जो ओपिनियन है वो साफ साफ जडेजा का ही रहने वाला है। हम तो चाहेंगे कि जडेजा हमारी टीम से बने रहे, लगातार खेलते रहे, अभी 10 साल चेन्नई के साथ रहे थे, 10 साल और चेन्नई के साथ रहे, ऐसा हमारा रिलेशन बना रहे, लेकिन जो भी आखिरी कॉल रहेगा वो जडेजा का ही रहने वाला है। अगर जडेजा चाहते हैं कि चेन्नई में खेलना चाहते हैं तो हम उनका वेलकम करेंगे, और अगर यहाँ पे जडेजा चाहते हैं कि हम चेन्नई के साथ नहीं खेलेंगे, हम जाना चाहते हैं, तो वहां पे भी हमें ये चीज मान्य रहने वाला है, यानी कि ये चीज का स्टेटमेंट देके चेन्नई के ऑफिशियल्स ने जरूर बताना चाहते हैं कि उनके बीच रिलेशन सब चीज सही है, अब आखिरी जो कॉल है वो जडेजा का ही रहता हुआ नजर आने वाला है। सो गाइस फाइनल बात करने वाले हैं तीसरे चीज के बारे में, और गाइस ये है अन अकेडमी को लेके। हाँ गाइस, अन अकेडमी जो कि अब जो एसोसिएट पार्टनर था आईपीएल का, अब उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। हाँ गाइस, जो कि कॉन्ट्रैक्ट आईपीएल के साथ लगातार बना था अन अकेडमी का, 3 साल से लगातार इनका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, लेकिन अब इन्होंने अपना जो एसोसिएट पार्टनर है उससे कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पे इनके सीईओ ने साफ कह दिया है कि हमारा आईपीएल के साथ जर्नी काफी अच्छा रहा था, लेकिन अब हम आईपीएल के साथ अपनी जो पार्टनरशिप है, जो कि स्पॉन्सरशिप है, उसे कंटिन्यू नहीं रखेंगे, और अगले साल से इन्होंने अपना एसोसिएट पार्टनर यहाँ से हटा लिया, यानी कि अब इन्हें अब अगला एक एसोसिएट पार्टनर देखना पड़ेगा कि आखिर क्या चीजें होती है, क्या करता है बीसीसीआई। भाई फाइनल में बात करने वाले हैं अगले न्यूज के बारे में, और गाइस ये न्यूज काफी ज्यादा विस्तार पूर्वक रहने वाली है। हाँ गाइस, ये न्यूज निकल के आ रही है एमएस धोनी को लेकर। हाँ गाइस, एमएस धोनी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, क्या चीजें सामने निकल के आ रही है, उस पर काफी बड़ा चर्चा रहने वाला है, क्योंकि एमएस धोनी लगातार टीम इंडिया के साथ जुड़े हैं। हाँ गाइस, कल भी जो पहला ओडीआई हुआ था वहां पे भी दिखते हुए नजर आए थे, ओवल में ये टीम इंडिया के साथ कनेक्ट थे यहाँ पे दर्शकों के तौर पे, और यहाँ पे मैच दिखते हुए नजर आ रहे थे, यानी लगातार इस तरीके का जुड़ना, टीम इंडिया के साथ जुड़ना, ये काफी बड़ा संदेशा और अंदेशा दे रहा है कि यहाँ पे एमएस धोनी का कुछ बड़ा डील होने वाला है बीसीसीआई के साथ। हाँ गाइस, अब वो हो सकता है एज अ मेंटोर यहाँ पे वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि इसी तरीके का सब प्लानिंग कर रहा है बीसीसीआई कि एमएस धोनी को कैसे न कैसे करके अटैच किया जाए टीम इंडिया के साथ, क्योंकि एमएस धोनी का जो कि एक तरीके से एक्सपीरियंस है और उनका जो दिमाग है वो काफी बड़े तर्ज पे चलता है, और इन सभी चीजों का फायदा उठाना चाहती इंडिया और बीसीसीआई। और गाइस यहाँ पे रोहित शर्मा और साथ में एमएस धोनी का
किस तरीके का गाइडेंस रहने वाला है, कैसी चीजें चलने वाली है, वो क्या क्या चीजें हैं, इन दोनों के बीच काफी अच्छी केमिस्ट्री हमें देखने को मिल सकती है। और गाइस इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे MS धोनी टीम इंडिया के नए मेंटोर बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का लगातार जुड़े हैं टीम इंडिया के साथ, जुड़ रहे हैं, लगातार ट्रैवल भी कर रहे हैं, पिछले 3-4 T20 आई मैच में भी जुड़े थे, उसके बाद वनडे मैच में भी जुड़े हैं, और रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि MS धोनी अगले 2 वनडे में भी टीम इंडिया के साथ ही रहने वाले हैं। यानी कि इसका साफ साफ मतलब है कि यहाँ पे अगले मेंटोर यहाँ पे धोनी बनते हुए नजर आने वाले हैं, और T20 वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी का कुछ बड़ा स्लॉट बुक होने वाला है टीम इंडिया पे। अब इस पे आप बताइएगा कि MS धोनी को आप क्या बनता देखना चाहते हैं, मेंटोर या फिर कोच, आपकी अपनी जो राय कमेंट करेगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये टीम इंडिया के साथ कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेशन में रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो एंड करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।